I bet you didn't know how deeply money affects your life. Before we dive in, make sure to subscribe to the Earn Launch channel, share, like, and comment to stay updated with our latest insights. पैसा। ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कई तरह की तस्वीरें उभर आती हैं। ये हमारी लाइफ में हमेशा रहता है, चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं। पैसा हमारे हर फैसले में कहीं ना कहीं शामिल होता है। इससे हमें टेंशन भी होती है और इससे हमारी ख्वाहिशें भी जुड़ी होती हैं। कभी कभी ये हमें रातों की नींद भी उड़ा देता है और कभी कभी ये हमें सपनों की दुनिया में ले जाता है। हम इसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हमारे पास हमेशा ये टेंशन रहती है कि हमारे पास काफी पैसा है या नहीं, और हम ये सोचते रहते हैं कि अगर हमारे पास और ज्यादा पैसा होता तो हम क्या कुछ कर सकते थे। और हम ये सोचते रहते हैं कि अगर हमारे पास और ज्यादा पैसा होता तो हम क्या कुछ कर सकते थे। क्या हम एक बड़ी गाड़ी खरीद सकते थे? क्या हम एक शानदार घर में रह सकते थे? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे के साथ हमारे रिश्ते के पीछे का साइकोलॉजी क्या है? ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाती है कि हमारे फाइनेंस का हमारे दिमाग पर क्या असर होता है। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता कितना जटिल और गहरा है। ये इस बात को गलत साबित करती है कि फाइनेंस में सक्सेस सिर्फ नंबर्स, फॉर्मूला और मार्केट ट्रेंड से ही मिलती है। असल में ये हमारे मानसिकता और व्यवहार पर भी निर्भर करती है। इसके बजाय ये बताती है कि हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस हमारे बर्ताव, भावनाओं और हमारी जिंदगी के तजुर्बों पर डिपेंड करते हैं। जरा सोचो, हम अपने पैसे के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, ये हमारे जीवन के अनुभवों और हमारी भावनाओं से प्रभावित होता है। हम सभी ने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं और इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ये लोग अपने पैसे को बहुत समझदारी से मैनेज करते हैं, और हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्हें अपने पैसे को मैनेज करने में बहुत परेशानी होती है, चाहे उनके पास बहुत ज्यादा पैसा और जानकारी क्यों ना हो। ये लोग अक्सर आर्थिक समस्याओं में फंसे रहते हैं। हाउसेल कहते हैं कि ये फर्क हमारी सोच की वजह से होता है। हमारी मानसिकता और हमारे विचार ही हमारे फाइनेंशियल फैसलों को प्रभावित करते हैं। हमारे विचार, हमारी जिंदगी के तजुर्बे और हमारी परवरिश से पता चलता है कि हम पैसे कैसे कमाते हैं, कैसे खर्च करते हैं, कैसे सेव करते हैं और कैसे इन्वेस्ट करते हैं। ये सब हमारे बचपन के अनुभवों और हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति से भी जुड़ा होता है। इन बातों को समझकर हम अपने फाइनेंशियल बर्ताव को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। जब हम अपने पैसे के साथ एक स्वस्थ रिश्ता बनाते हैं तो हम न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी समृद्ध होते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि हमें सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये भी सोचना चाहिए कि हमारा मन कैसे काम करता है। ये सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट या अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के बारे में नहीं है, ये उन भावनाओं, सोच और गलत फैसलों को समझने के बारे में है जो हमारे फाइनेंशियल चॉइस को प्रभावित करते हैं। डर और लालच ऐसी चीजें हैं जो हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं। डर की वजह से हम और बचाने के बारे में अलग तरीके से सोचेगा। इन बातों को समझकर हम ये जान सकते हैं कि हम फाइनेंशियल मामलों में ऐसे क्यों बर्ताव करते हैं। इससे हमें अपनी गलतियों को पहचानने, अपनी सोच को बदलने और बेहतर फैसले लेने में मदद मिलती है। फाइनेंस में सबसे जरूरी चीज है कंपाउंडिंग की ताकत।
कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा समय के साथ कैसे बढ़ता है। यह एक ऐसा जादू है जो आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। इसका मतलब है कि जो पैसा हम लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं उस पर हमें ब्याज मिलता है और उस ब्याज पर भी हमें ब्याज मिलता रहता है। यह एक चक्रवृद्धि प्रक्रिया है जो आपके धन को तेजी से बढ़ाती है और उस ब्याज पर भी हमें ब्याज मिलता रहता है। यह एक ऐसा चक्र है जो आपके निवेश को समय के साथ बढ़ाता रहता है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इससे हमारा पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है। यह एक ऐसा जादू है जो आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन इसके लिए धैर्य और समय की आवश्यकता होती है। लेकिन कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है और आज के समय में ये बहुत मुश्किल है। धैर्य रखना और अपने निवेश को समय देना बहुत महत्वपूर्ण है और आज के समय में ये बहुत मुश्किल है। हमें हर तरफ से यही कहा जाता है कि अभी खरीदो, अभी खर्च करो और अपनी जिंदगी का मजा लो। यह एक चुनौती है जो हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों से दूर कर सकती है। हमें हर तरफ से यही कहा जाता है कि अभी खरीदो, अभी खर्च करो और अपनी जिंदगी का मजा लो। यह एक मानसिकता है जो हमारे वित्तीय भविष्य को नुकसान पहुंचा सकती है। इस तरह की सोच हमारे लंबे समय के फाइनेंशियल गोल्स को खराब कर सकती है। यह हमें हमारे लक्ष्यों से दूर कर सकती है और हमारे वित्तीय भविष्य को असुरक्षित बना सकती है। मान लीजिए कि दो लोग हैं और दोनों के पास एक जैसी रकम है। एक व्यक्ति अपनी इनकम का कुछ हिस्सा नियमित रूप से कई दशकों तक इन्वेस्ट करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपनी सारी कमाई खुशी में खर्च कर देता है। एक व्यक्ति अपनी इनकम का कुछ हिस्सा नियमित रूप से कई दशकों तक इन्वेस्ट करता है और वह मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते हुए धैर्य रखता है। वह अपने निवेश को समय देता है और जल्दी पैसा नहीं निकालता है। वो मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते हुए धैर्य रखता है और अपना पैसा जल्दी नहीं निकालता। यह धैर्य और समय की शक्ति है जो उसके निवेश को बढ़ाती है। दूसरा व्यक्ति अपनी सारी कमाई खुशी में खर्च कर देता है और अपने सेविंग्स गोल्स को नजरअंदाज कर देता है। वह अपने वित्तीय भविष्य के बारे में नहीं सोचता है और अपने पैसे को तुरंत खर्च कर देता है। समय के साथ उनके फाइनेंशियल परिणामों में बहुत अंतर आ जाता है। पहला व्यक्ति जो धैर्य रखता है उसे कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है और उसका पैसा बहुत बढ़ेगा। पहला व्यक्ति जो धैर्य रखता है उसे कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है और उसका पैसा बहुत बरक्के रह जाता है। यह धैर्य और समय की शक्ति है जो उसके निवेश को बढ़ाती है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो अपनी खुशी के लिए सब कुछ खर्च कर देता है वो पीछे रह जाता है और उसके फाइनेंशियल गोल्स पूरे नहीं हो पाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सबक है जो हमें सिखाता है कि धैर्य और समय कितना महत्वपूर्ण है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि धैर्य रखना बहुत जरूरी है। ये हमें अमीर बना सकता है। धैर्य और समय की शक्ति को समझना और अपने निवेश को समय देना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम लंबे समय के बारे में सोचें, जल्दबाजी में फैसले न लें और अपने इन्वेस्टमेंट को समय दें, तो हम अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर बना सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सबक है जो हमें सिखाता है कि धैर्य और समय कितना महत्वपूर्ण है। चौथा भाग, अनिश्चितता को नेविगेट करना, अप्रत्याशित के लिए योजना बनाना। यह एक ऐसा कदम है जो हमें वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति दोनों प्रदान कर सकता है। फाइनेंस की दुनिया बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। यहां तक कि सबसे अनुभवी निवेशक भी हर समय सही भविष्यवाणी नहीं कर सकते। मार्केट क्रैश, मंदी और अचानक परिस्थितियां हमारे सबसे अच्छे फाइनेंशियल प्लान को भी खराब कर सकती हैं। इन घटनाओं का प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है। Thank you.
इसका मतलब है कि हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए जिससे हम अचानक आने वाले खर्चों जैसे कि मेडिकल बिल या नौकरी जाने पर आसानी से निकाल सकें। यह एक इमरजेंसी फंड के रूप में काम करता है। इसका मतलब ये भी है कि हमारे पास अच्छा इंश्योरेंस होना चाहिए जो हमें और हमारे परिवार को अचानक होने वाली किसी भी घटना से बचा सके। इंश्योरेंस हमें वित्तीय संकट से बचाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जितना जरूरी पैसे की सेविंग करना है उतना ही जरूरी है एक प्लान बनाना। एक ठोस प्लान हमें वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। इसका मतलब है कि हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करने चाहिए, एक बजट बनाना चाहिए जो हमारे गोल्स के हिसाब से हो, और समय समय पर अपने प्लान की समीक्षा करते रहना चाहिए। यह प्रक्रिया हमें ट्रैक पर रहने में मदद करती है। अगर हम ये मान लें कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है और हम उसके लिए पहले से तैयार रहें, तो हम अपने फाइनेंस को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट और मजबूत रहेंगे। यह आत्मविश्वास हमें वित्तीय चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। पांचवा भाग, हम खुद को जो कहानियां सुनाते हैं, वित्तीय आदतें बनाना।